बैक टू माई चैनल. तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, आई लेफ्ट फ्रॉम भुवनेश्वर एयरपोर्ट टू मुंबई, वेयर आई हैड अ लेओवर फॉर माई फ्लाइट टू गोवा. तो अभी हम मुंबई एयरपोर्ट में हैं. यहाँ पे हमने अपना चेक इन वगैरह कर लिया है. एंड बिफोर प्रोसीडिंग टू आर गेट वी थॉट टू हैव समथिंग. सो हियर वी आर एट KFC एंड वी आर हैविंग अ मील हियर. तो अगर आपने पहले ब्लॉग नहीं देखा है देन प्लीज़ गो वॉच इट एंड इट्स गोइंग टू बी अ फन एंड एक्साइटिंग सीरीज. सो डू वॉच इट एंड लेट मी नो इफ यू इंजॉय एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अभी 10 बजा है एंड वी हैव आर बोर्डिंग टाइम एट 10:45. सो वी आर हैविंग आर मील ओवर हियर. सो गाइस पहुंच गए हम अपने गेट पे. इट इज 86B एंड वी आर हियर. सो वी हैव अनदर हाफ एन आवर फॉर आवर फ्लाइट. सो वील जस्ट सिट हियर एंड पास आर टाइम. दैट्स ऑल यू कैन डू इन द एयरपोर्ट. मीन वाइल आई विल शो यू दिस प्लेस. ये टर्मिनल 2 है. हम भुवनेश्वर से लैंड किए थे T1 में एंड वहाँ से T2 इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स, जो कि हमने एक प्राइवेट टैक्सी में कवर किया एट द कॉस्ट ऑफ 600. हम फाइनली इन गोवा. अभी हम एयरपोर्ट से जा रहे हैं अपना Airbnb जो कि सालीगांव में है. एंड इट फील्स सो ब्यूटीफुल. थोड़ा वेदर सनी है बट हम कार में जा रहे हैं तो उतना पता नहीं चल रहा है. सो इट रियली फील्स सो गुड. मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा झलक यहाँ का एंड बाकी डिटेल में आई विल शो यू एवरीथिंग दैट आई डू हियर. सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द व्यूज राइट नाउ. तो गोवा एयरपोर्ट में ही टैक्सी सर्विसेज मिल जाएगी जिसका प्राइस लिस्टेड है एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड है. जो भी एरिया जाना होगा यू कैन सर्च इन द लिस्ट एंड बुक द टैक्सी. विद इन 2 to 3 minutes आपको गाड़ी मिल जाएगी एंड इट्स टोटली हैसल फ्री. प्राइसेस फिक्स्ड है सो नो नीड ऑफ पार्किंग. तो ये है हम लोग का फ्लैट. इसका 2 डोर है. ये एक हॉल की तरफ खुलता है और ये एक पर्टिकुलर रूम की तरफ खुलता है. सो लेट्स गो इन. दिस इज़ द रूम दैट वी हैव. तो ये मेरे यहाँ पे वाईफाई है. इट हैज़ अ फ्रिज, टीवी, कबर्ड, सोफ़ा. रूम अभी बहुत मेस्ड अप है. ये एक रूम है जो कि हॉल के साथ अटैच्ड है एंड देन वी हैव अ बालकनी ओवर हियर. ये अपार्टमेंट है सो उसी का फ्लैट है ये. Then here we have the mirror and that's the bathroom. ये bed है. Then this is another room. तो ये भी आपको यहाँ पे same facilities मिल जाएंगी. Bed and this is another bathroom number 2. Here we have the cupboard or the closet and also another balcony over. This is the other balcony. और यहाँ से ऐसा व्यू आता है यहाँ का. सो रूम ओवरऑल ठीक है. मुझे ये Airbnb में मिला था एट द कॉस्ट ऑफ ₹6,500 फॉर 3 nights एंड लोकेशन सालीगांव है. ऑल्सो दे हैव अ पूल इन द बैक यार्ड जो कि मैं आपको आगे दिखा दूंगी जब मैं वहाँ पे जाऊँगी. रूम में सामान रखने के बाद वी हेडेड टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट नेम्ड सोनार बांग्ला टू हैव आर लंच. दिस एरिया हैड अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू ईट बट तब स्कूटी नहीं लिए थे सो वी जो सामने दिखा वही चले गए. द फूड वॉज नॉट दैट ग्रेट बट भूख इतनी लगी थी सो समहाउ वी मैनेज्ड. सो
सो वी हेडेड टू एग्वाडा फोर्ट टू सी द सनसेट. वहाँ टिकट का प्राइस 25 था पर पर्सन एंड पार्किंग का ₹50 पर स्कूटी. यहाँ एंट्री 6 बजे बंद हो जाती है सो वी रश्ड. वैसे हमने अपने रूम के पास से ही स्कूटी ले ली एट द कॉस्ट ऑफ ₹350 पर डे विच समड अप टू ₹1000 पर फॉर 3.5 डे पर स्कूटी. तो हमने 2 स्कूटी ले लिया था. मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन केस यू वॉन्ट. So the Fort Aguada is a huge tourism site built by the Portuguese and till date attracts humongous number of tourists as you can see. Yahan pe sunset looks so much more beautiful overlooking the Arabian Sea. ऑल्सो यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं जो कि इस जगह की और इस फोर्ट की हिस्ट्री दर्शाता है. ऑल यू हिस्ट्री लवर्स कैन हैव योर टाइम हियर विद ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस प्लेस. इफ यू वांट टू विजिट दिस प्लेस देन आई सजेस्ट टू कीप दिस प्लेस फॉर सनसेट. ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाए बिकॉज एक तो बहुत लेट हो गया था चेक इन करने में देन वापस रेडी होके जाने में. सो वी कुड ओनली कवर एग्वाडा फोर्ट. सो वहाँ पे हमने सनसेट देखा एंड देन वी वेर वहाँ बीच रोड टीटूज लेन में वी डिड सम शॉपिंग हियर एंड देयर एंड नाउ वी आर एट कैलंगुट. वी आर एंजॉइंग सम गुड फूड म्यूजिक एंड या चिल बियर. सो let me show you how it is. So here we are doing as the normal touristy thing and aaj ka din bahut hi jaldbazi mein nikal gaya. We could not cover any places like major places जितना मैंने प्लान किया हुआ था बट या दिस ऑलवेज रूम फॉर नेक्स्ट टाइम लाइक वी विल प्लान बेटर फॉर टुमारो एंड ट्राई एंड कवर मोर एंड मोर प्लेसेस. तो वी आर प्लानिंग टू हैव आवर डिनर ओवर हियर एंड देन वी विल हेड बैक टू आवर रूम. तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप आपको ये अच्छा लगा हो. आज का ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं था. मैंने पूरा दिखाया कैसे हम गोवा आए मुंबई एयरपोर्ट से लेके अभी तक का. आई हैव ट्राइड एंड पुट टुगेदर ऑल द क्लिप्स. सो आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ यस देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय स्टे सेफ टेक केयर.